आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटना के आलमगंज में मूर्ति विसर्जन के बाद हुए हिंसक झड़प के बाद समाज के दोनों समुदायों के बीच जो अविश्वास का माहौल बना है, इस माहौल को कम करने के लिए आज एक बड़ा प्रयास किया गया। इस प्रयास के तहत लोकतांत्रिक जन पहल ने एक शांति मार्च का आयोजन किया और इस शांति मार्च में लोग शामिल हुए और जिससे दोनों समुदायों के बीच जो अविश्वास और भय का माहौल बना था उसमें काफ़ी कम करने में मदद मिली है। काबिले जिक्र है कि पिछले दिनों सोमवार को मूर्ति विसर्जन के लिए जो जुलूस जा रहे थे उस जुलूस में के आयोजकों ने आपस में झगड़ा कर लिया, लेकिन इस झगड़े का जो स्थान था वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका आलमगंज था और इस वजह से जो पथराव हुई उस पथराव के बाद अल्पसंख्यकों को ये लगा कि उनके घरों पे हमला किया जा रहा है और तुरंत ही यह मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया। घंटों भर पथराव हुआ और दोनों तरफ से रोड़ेबाजी हुई, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंच गई और पुलिस ने काफ़ी सीरियस लेते हुए इसको नियंत्रित करने में सफलता पाई। बड़ी पहल की गई है, इस पहल के तहत शांति मार्च का आयोजन किया गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अलावा क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता सुधा वर्गीज के साथ साथ सत्यनारायण मदन और कंचन बाला, उसके अलावा अफजल खान जैसे तमाम लोग मौजूद थे। वहीं नौकरशाही.com के एडिटर इरशादुल हक भी इस आयोजन में शामिल हुए। ने काफ़ी सराहना की इस आयोजन की और आइए देखते हैं कि इस आयोजन पर सत्यनारायण मदन ने क्या जिस तरह से लोग इस मार्च में स्वयं स्फूर्त ढंग से शामिल हुए, कई लोगों को खबर की गई और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आए जो जिनको हम खबर नहीं किए और आसपास के लोगों ने जिस उत्सुकता के साथ इस मार्च का स्वागत किया, उससे लगता है कि लोगों में जो दिली एकता है उसको तोड़ना असंभव है। ये जो कुछ जो सांप्रदायिक उपद्रवी तत्व हैं तात्कालिक तौर पर भले वो एक माहौल बना दें, लेकिन हम आलमगंज के आम लोगों को ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने बहुत जल्द ही और मजबूती से जो शांति सद्भाव का जो माहौल है उसको बहुत तेजी से कायम किया है।